हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत तिवारी एंड आई वेलकम यू अगेन टू ऑन माय चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है आज इस करंट अफेयर्स के नए शो में और नई रैपिड फायर क्लास में। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है हम आपके लिए करंट अफेयर्स की जो सीरीज चला रहे हैं जिसको हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डोंट वरी, जो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहाँ से उसको आसानी से देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, इससे आगे चलते हैं और अपनी जो अप्रैल मंथ की जो नेक्स्ट न्यूज है, जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली न्यूज है भारतीय पेडलर ए शरत कमल को राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग 31वां स्थान दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की एक रैंकिंग आती है उसमें 31वां स्थान दिया गया है। किसको? ए शरत कमल को। इनका पूरा नाम है अचंता शरत कमल। हालांकि रैंकिंग नहीं पूछेगा कि 31वां स्थान मिला है, लेकिन अगर रैंकिंग नहीं पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि जो अचंता शरत कमल है वो कौन से खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगली न्यूज को। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता विश्वनाथ आनंद नेचर इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड के नए राजदूत बने हैं, यानी नए एम्बेसडर बने हैं। कौन? विश्वनाथ आनंद। वो भी किसके? नेचर इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए, वर्ल्ड वाइड फंड के लिए इनको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसको? विश्वनाथ आनंद को। आगे देखते हैं, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए वाईएसआर निर्माण और एपी इंडस्ट्रीज कोविड 19 पोर्टल लॉन्च किया। यानी जो आंध्र प्रदेश है उसमें दो पोर्टल है वो लॉन्च किए गए हैं। पहला है वाईएसआर निर्माण और दूसरा है एपी इंडस्ट्रीज कोविड 19। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश ही है और वाईएसआर तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये क्यों लगा है, क्योंकि जो उसके मुख्यमंत्री है वहां से आप समझ जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उनके नाम में भी वाईएसआर है तो ये सारी योजनाएं अपने नाम से निकालते हैं, ज्यादातर इनकी योजनाएं वाईएसआर के नाम से ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए वाईएसआर निर्माण और एपी इंडस्ट्रीज कोविड 19 पोर्टल लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति है उसका 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है, यानी रोक दिया गया है। कहने का मतलब यह है कोविड 19 का कारण, उस टाइम अप्रैल की मंथ की न्यूज आई, उस टाइम कोविड 19 का दौर था, तो उसी टाइम यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र आयोजित किया जाने वाला था, कहां पे? चाइना के फुझो शहर में, और उसे रोक दिया गया। हालांकि होगा 2021 में होगा ये, और चाइना के फोजो शहर में ही इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, अल्जीरियाई लेखक अब्देल लोहाब आई साउदी ने 13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कहने का मतलब यह है 13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार जो किसने जीता है, वो जीता है आपके अल्जीरियाई लेखक अब्देल लोहाब आई साउदी ने। ठीक है फ्रेंड्स, और किसके लिए मिला है? जो इनका नोवेल था उसका नाम था द स्पार्टन कोट के लिए किसको? अब्दुल लोहाब आई साउदी को 13वां अंतरराष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार दिया गया है। और ये कहां के हैं? अल्जीरिया के लेखक हैं। आगे देखते हैं, विश्व हीमोफीलिया डे, यानी कहने का मतलब है वर्ल्ड जो हीमोफीलिया डे है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। क्या थीम थी इसकी? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, कुछ तो इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आप नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ डेज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनकी थीम रही हुई है, यानी थीम वाले डेज पूछने का ज़्यादा चांसेस होता है। वो सारे क्वेश्चंस, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनकी थीम भी पूछी जा सकती है। तो इसीलिए जिन डेज की थीम है, जो डेज किसी थीम के ऊपर आधारित रहे हैं, उन सारे डेज को हमने अपने वीडियोज़ में इन्वॉल्व किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है पहला, कौन सा है? विश्व हीमोफीलिया डे, जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। ये किसकी थीम थी? विश्व हीमोफीलिया डे की, जो कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। उससे अगला है 18 अप्रैल को, इसको मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, और इसकी थीम क्या थी? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। किसकी थीम है? 8 अप्रैल को जो मनाया जाता है, क्या नाम है उसका? विश्व विरासत दिवस, उसकी थीम ये थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, वेबसाइट सी घाट है, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए लॉन्च की गई थी। फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वेबसाइट लॉन्च की, जिसका नाम है सी घाट। सी से आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के अध्यक्ष तामस अजान ने इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के अध्यक्ष थे कौन? तामस अजान, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिसका हेडक्वार्टर किसका? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है? हंगरी के बुडापेस्ट में। उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। कौन थे उसके अध्यक्ष? तामस अजान, जिन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अभी तक इसके कोई नए जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, नहीं चुने गए हैं। इंटरिम के रूप में कोई काम कर रहा हो तो वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। अगर कोई चुना जाएगा तो आगे मैं आपको आने वाली वीडियोज में बता दूंगा। आगे देखते हैं, फेफेग होंगजो एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर होगा। यानी फेफे या फीफी जो भी आप इसको बोलना चाहें, होंगजो में जो आयोजित होने वाले हैं एशियाई पैरा खेल, उनका शुभंकर के रूप में किसको किसको बनाया गया है? फीफी को। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले मैंने आपको एशियाई जो खेल थे उनको उनका भी शुभंकर बनाया था, बताया था। इससे पहली वाली वीडियो जो उसके तीन शुभंकर थे, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत में अगली बार भारत में पहली बार डाक विभाग ने कोलकाता में एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की है। एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहां शुरू की गई है? कोलकाता में। वो भी किसने? डाक विभाग ने शुरू की है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, भारतीय तटरक्षकों ने गोवा में खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2020 आयोजित किया गया। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जो SAREX 2020 है ये किसने आयोजित किया? तो किसने? कोस्ट गार्ड, जो भारतीय तटरक्षक सेवा है, उसने इसको आयोजित किया। और ये कहां पे? गोवा में आयोजित किया गया था। कहां किया गया था? गोवा में आयोजित SAREX 2020, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, प्रवीण कुटुंबे की अध्यक्षता में IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रवीण कुटुंबे की अध्यक्षता में है IRDAI ने बीमा कंपनियों के कॉरपोरेट प्रशासन प्रणालियों में सुधार करने के तरीकों को खोजने के लिए एक समिति का गठन किया। वो भी जो भी आपकी समिति बनती है, जो भी कमेटी बनती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसके लिए बनाई गई और उसके हेड कौन थे? तो इस बार इस कमेटी के जो हेड बनाए गए थे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो भी बीमा कंपनियों के लिए, जो कॉर्पोरेट प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करने के लिए जो भी कमेटी बनाई थी, उसके जो हेड कौन थे, यानी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रवीण कुटुंबे ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और पश्चिम बंगाल की गुजादंगा को भारत सरकार ने भारत में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अधिकृत भूमि आवर्जन चौकियों के रूप में नामित किया है। सिंपल से कहने का मतलब यह है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और पश्चिम बंगाल की गुजादंगा, जो दो जगह हैं, इनको सरकार ने भारत में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अधिकृत भूमि आवर्जन चौकियों के रूप में नामित किया है। कहने का मतलब यह है, यहां से भारत में एंट्री की जा सकती है और बाहर निकला जा सकता है। अब इस जगह, ये सेंसिटिव जगह होगी, इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाएगा। कहने का मतलब बस इतना है, आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको याद रखना है इसे। आगे देखते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के एक गांव का नाम अमीन से बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। ये भी कुरुक्षेत्र से संबंधित है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है भारत के इतिहास में, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि हरियाणा का एक जिला है कुरुक्षेत्र, उसमें एक गांव था अमीन, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। आगे देखते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्यान्न और विकारी खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसानों से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने क्या किया है? खाद्यान्न और विकारी ऐसे पदार्थ जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, उनके जो परिवहन के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यानी उनको थोड़ी सी सुविधा देने के लिए, किसानों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, TVS मोटर्स ने यूके के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। जो यूके की स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की एक ब्रांड थी नॉर्टन, उसको अधिग्रहण कर लिया, यानी उसको खरीद लिया है। किसने? TVS मोटर्स, जो इंडिया की जो TVS मोटर्स है, उसने यूके की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए दोहा कतर में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने और तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए दोहा कतर में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, याद रखना है, ये समझौता कहां पर हुआ था? दोहा कतर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC यानी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने भारत के अध्ययन के अनुसार
भारत में महिलाओं की भागीदारी 2006 में 34% से घटकर कितने रह गई है, 2020 में 24.8% रह गई है। यानी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है, उसने भारत का अध्ययन किया और उसमें बताया गया कि भारत में जो महिला श्रम की भागीदारी है, यानी जो किसी भी काम में जो महिला पार्टिसिपेट करती थी, वो उनकी जो संख्या थी वो 2006 में 34% थी, लेकिन वही घटकर 2020 में 24.8% रह गई है। ये आपका फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये भी आपको याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये रही अगली वीडियो अप्रैल मंथ की, इससे आगे एक दो वीडियो अभी शायद और आ सकती है, क्योंकि 21-22 अप्रैल तक शायद आपका ये कंप्लीट हो गया है, और एक या दो वीडियो में ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और अपनी सारी न्यूज़ का कंप्लीट, जो भी इंपॉर्टेंट, सारी का मतलब ये नहीं कि मैं जो कुछ भी उसमें सब उठा लूँ, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, उन सारी न्यूज़ का हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।